हे गाइस, वेलकम टू मोटो रिफाइन। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, एक बात कहूँ, पहले क्या होता था, गाड़ी लेने से पहले लोग क्या क्या पैरामीटर्स देखते थे, माइलेज कितना देती है, फीचर्स क्या क्या है, कितना बूट स्पेस है, वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों के अंदर सेफ्टी भी प्रायोरिटी में आने लगी है। तो ये पैरामीटर्स कौन सेट करता है कि कौन सी गाड़ी कितनी सेफ है और किसको कितने स्टार मिलते हैं? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल एनकैप, जो गाड़ी को खरीदती है या कंपनी से टेस्ट करने के लिए लेती है, उसका क्रैश टेस्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग होती है। ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि लेटिन एनकैप, यूरो एनकैप। इसमें लेटिन एनकैप सबसे टफ टेस्ट करती है। तो इसको देखते हुए आज हमने ये वीडियो बनाया है कि आपको भी पता चले इंडिया में कौन कौन सी गाड़ी कितनी सेफ है। तो देखते हैं सेफेस्ट कार इन इंडिया। कार सेफ्टी की बात हो और टाटा का नाम ना हो, वैसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस लिस्ट में फिफ्थ पोजीशन पे है टाटा अल्ट्रोस। ये गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में एडल्ट ऑक्यूपेंट में मिले हैं 5 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में मिले हैं 3 स्टार, और वो भी 2 एयरबैग के साथ 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो ऐसा भी नहीं है कि जितनी ज़्यादा एयरबैग उतनी ज़्यादा सेफ्टी। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद गाड़ी का रिजल्ट आता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे है महिंद्रा की XUV300। दिस इज द फर्स्ट व्हीकल फ्रॉम द महिंद्रा टू रिसीव 5 स्टार रेटिंग फ्रॉम ग्लोबल एनकैप। इस गाड़ी को एडल्ट ऑक्यूपेंट में 5 स्टार मिले हैं और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 4 स्टार मिले हैं, जिसमें इस गाड़ी को एडल्ट ऑक्यूपेंट में 17 में से 16.42 पॉइंट मिले हैं और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 49 में से 37.44 पॉइंट मिले हैं। द थर्ड वन हैज टाटा पंच। दिस कार इज एंट्री लेवल SUV फ्रॉम टाटा मोटर्स। इस गाड़ी को भी ग्लोबल एनकैप में एडल्ट ऑक्यूपेंट में 5 स्टार मिले हैं और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 4 स्टार मिले हैं। इस गाड़ी को एडल्ट ऑक्यूपेंट में 70 में से 60.45 मिले हैं और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 90 में से 40 पॉइंट्स मिले हैं, जिसमें 2 एयरबैग्स हैं, 4 चैनल ABS है, आइसोफैक्स एंकरेज फॉर चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे है महिंद्रा की स्कॉर्पियो N। इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में एडल्ट ऑक्यूपेंट में 5 स्टार मिले हैं और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 3 स्टार मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि गाड़ी को चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 3 स्टार मिले हैं फिर भी सेकंड पोजीशन पे क्यों है? लेकिन अब ग्लोबल एनकैप में कुछ नए टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी को 5 स्टार लाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वो रीजन की वजह से गाड़ी में चाइल्ड ऑक्यूपेंट 3 स्टार आने के बाद भी ये इस गाड़ी को सेकंड पोजीशन पे रखा है। आज तक सेफ्टी की रेस में टाटा और महिंद्रा ही थे पिछले कुछ सालों तक, लेकिन थोड़े ही महीनों पहले इनको पीछे छोड़ दिया है वॉक्सवैगन ग्रुप ने। वॉक्सवैगन दस ऑटो। मैं बात कर रहा हूँ स्कोडा कुशाक और वॉक्सवैगन टाइगुन की। सिस्टर मॉडल्स वॉक्सवैगन टाइगुन एंड स्कोडा कुशाक शेयर मेजोरिटी ऑफ देयर पार्ट्स। इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में एडल्ट ऑक्यूपेंट में 5 स्टार मिले हैं और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में भी 5 स्टार मिले हैं। इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हील होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रोल ओवर प्रोटेक्शन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एंड मैनी मोर। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको पसंद आई होगी। तो अभी वीडियो देख ही लिया है तो लाइक भी कर दो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड गुड बाय।